हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हाय एवरीवन, होप आप सब ठीक हो। तो जैसा कि आप जानते हो, हम प्रैक्टिस अरिथमेटिक लेसन कर रहे हैं, थर्ड लेसन ऑफ मैथ्स वन, और हमने सही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट थ्री की तरफ। तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही मार्क करवा देती हूँ, सो मार्क इट डाउन। ओके, सो वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द सीक्वेंस -10, -6, -2 and 2 इज एन अरिथमेटिक रीजन डी इक्वल -16, और इज एन अरिथमेटिक रीजन डी इज इक्वल टू 4, और इज एन अरिथमेटिक रीजन डी इक्वल टू -3 इज नॉट एन अरिथमेटिक। तो क्या करेंगे? आपको जैसे कि पता है हम क्या करते हैं, टर्म वन माइनस करते हैं। टर्म टू क्या है? -6 -10 इट्स इक्वल टू -6 + 10। हाँ, क्या आ गया? 4 आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर हूज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड डिफरेंस इज -2। फोर टर्म्स है जिसका फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, हमें फोर टर्म निकालना है। तो फोर टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? -2 है एंड +2, ठीक है, इट्स इक्वल टू -2 -2, क्या हो गया? -4 हो गया। देन -4 -2 किया, क्या मिला आपको? -6 मिला। -6 -2 क्या क्या मिला आपको? -8 मिला। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन। ठीक है, वॉट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 38 नेचुरल नंबर? सम ऑफ द फर्स्ट 38 नेचुरल नंबर, तो विच फार्मूला यू आर गोइंग टू यूज? SN फार्मूला। ठीक है, SN फार्मूला ढूंढना है। अब फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है 1 से और एंड होता है 30 से, तो उस तरीके से आप SN फार्मूला आगे करोगे। वेट, तो SN फॉर्मूला करेंगे हम, SN इक्वल n इंटू एन प्लस 1/2, दैट इज S30 इक्वल 30 × 30 + 1/2, हाँ 215, इट्स इक्वल टू 15 × 31। आप 15 × 31 करते, 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 1 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 4, तो 5, 6, 4, आंसर क्या मिला? 465। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? नाउ फॉर एन गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म 7 इज 4, डी इक्वल -3, देन फाइंड ए। आपको एन टर्म पता है, टर्म 7 क्या है? 4 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला करोगे? एन टर्म डाल के करोगे, टी एन इक्वल। हम फोर्थ सम में थे, क्या है फोर्थ सम? आपको एन टर्म ढूंढना है ना, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए एन टर्म इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड वी आर हैविंग टर्म सेवन इक्वल ए आपको ढूंढना है, प्लस 7 - 1 इंटू -4। हाँ, टर्म 7 की वैल्यू क्या है? 4। 4 इक्वल ए प्लस 6 × -4, देयरफॉर 4 इक्वल ए -24, 6 + 24 प्लस इंटू -, देयरफॉर ए इक्वल 4 + 24, दैट इज 28। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन। फिफ्थ में चलते हैं, आपको दिया है ए, दिया है डिफरेंस, दिया है एन, दिया है, यू हैव टू फाइंड एन टर्म कितना है। ठीक है, सो अगेन सेम फॉर्मूला फिफ्थ सम के लिए, एन टर्म इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो वॉट इज, देयरफॉर एन टर्म इक्वल ए इज 3.5 प्लस 101 माइनस 1 इंटू 0, 3.5 × 100 प्लस 100 × 0। आप कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 होगा, तो आंसर क्या है? 3.5। तो एन टर्म क्या है? 3.5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस? 3.5। अब चलते हैं हम सिक्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैज बीन गिवन इन सिक्स क्वेश्चन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म आपका है, टर्म्स जो है एक -3 है, टर्म टू क्या है? टर्म टू इज 4, और आपको 21st टर्म ढूंढना है। तो हम डी ढूंढेंगे, डी क्या होता है? टर्म टू माइनस टर्म 1, दैट इज 4 माइनस माइनस 3, इट्स इक्वल टू 4 + 3, इट्स इक्वल टू 7 हो गया। सो हमें 21st टर्म ढूंढना है। हाँ, क्या करेंगे हम? देयरफॉर टर्म 21 इक्वल ए प्लस एन माइनस 1, दैट इज 21 - 1, टर्म 21 इक्वल ए क्या है आपके पास? -3 इंटू, हाँ
प्लस एन क्या है 21 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज व्हाट 7 इट्स इक्वल टू माइनस 3 प्लस 20 इंटू 7 27 जा इज 140 माइनस 3 प्लस 140 आप माइनस करोगे आप क्या मिल जाएगा 137। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर में आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है, नंबर्स आंसर्स नहीं लिखने हैं, ऑप्शन सी ऑप्शन बी इसी तरीके से लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है इफ फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डी क्या है 5 है, देन आपको ढूंढना है टर्म 18 माइनस टर्म 13। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अभी आपको ऑलरेडी बोला है डी इक्वल क्या है 5 है। ठीक है, सो एन टर्म इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो टर्म 18 माइनस टर्म 13 इक्वल क्या होगा ए प्लस 18 माइनस 1 ओके इंटू डी। ठीक है, माइनस ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को? तो ये हो जाता है ए प्लस 17 डी माइनस ए प्लस 12 डी, इस तरीके से हो गया। अब इसको आप ओपन करेंगे आपको मिलेगा ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 12 डी, ए और ए कटोगे 17 माइनस 12 क्या है 5 डी है। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 इंटू 5 आपको आंसर क्या मिल गया 25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? सी ऑप्शन। आया समझ में कैसे किया है? नाउ 8 में क्या बोला है आपको, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज डैश। ओके, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? हाँ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे 8 क्वेश्चन में। हाँ, तो सीक्वेंस क्या आएगा, फर्स्ट 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ ए क्या हो गया 3 हो गया, डिफरेंस इज 3, और आपको क्या ढूंढना है एन 5 ढूंढना है। तो सम ऑफ कट जो फॉर्मूला है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इट्स इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 3, आप लिख सकते हो 3 यहाँ। ठीक है, इट्स इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू सॉरी 4 इंटू 3। ठीक है, इट्स इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 12, हाँ 5 अपॉन 2 इंटू क्या हो गया 18, 2 9 ज़ा 18 क्या है 45, विच टाइम इट इज़ 45। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ? ए ऑप्शन, 8 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फाइन, अब हम 9th में चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या गया है, 15 10 5 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ढूंढना आपको। ठीक है, तो 9 सम भी देख लो आप लोग। तो क्या बोला है, 15 10 एंड 5 ये है, तो ए आपका 15 हो गया, डिफरेंस आप 10 माइनस 15 करो क्या मिलता है माइनस 5 मिलता है। तो व्हाट इज़ अवर एस एन फार्मूला, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देयरफॉर एस 10 इक्वल 10 अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू 15 प्लस एन क्या है आपका 10 माइनस 1 इंटू माइनस 5, ये 5 हो गया, इट्स इक्वल टू 5 इंटू 30 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 इंटू माइनस 5। फाइन, इट्स इक्वल टू 5 इंटू 30, 9 5 ज़ा 45 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 45, इट्स इक्वल टू 5 इंटू 45 से ये माइनस करो क्या मिलता है 15, माइनस 15 मिलता है, 15 5 ज़ा 75 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस 75, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट सम इसका यहाँ करके हम स्टॉप करेंगे आज। सो नाउ व्हाट इज़ द 10th सम इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 20, सम ऑफ ऑल टर्म इज 399, देन व्हाट इज एन, आपको एन ढूंढना है, फर्स्ट टर्म दिया गया है लास्ट टर्म दिया गया है। सो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जो आपको एस एन का फॉर्मूला जो चाहिए वो यूज़ कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10th सम ए इक्वल टू 1 दिया है, हाँ एन टर्म क्या है 20 है, एंड सम ऑफ
ऑल टर्म इज व्हाट 399. सो एन टर्म इक्वल आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है. ओके एन एस एन इक्वल एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो देयरफॉर एस एन इक्वल एन अपॉन टू आपको एन ढूंढना है. हाँ इसको हम स्प्लिट कर लेंगे. स्प्लिट मीन्स अभी 2a है तो हम इंस्टेड ऑफ 2a a प्लस ऐसा लिखेंगे और ब्रैकेट में a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे. अगर आप ये देखो ये किसके जैसा है n टर्म जैसा. इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं n टर्म लिख सकते हैं. इट्स इक्वल टू n अपॉन टू इंटू ए प्लस n टर्म. अब n टर्म क्या बोला हमने 20 बोला तो देयरफॉर और एस एन क्या है 399 ने वैल्यू दिया है. देयरफॉर 399 इक्वल एन अपॉन टू इंटू वन प्लस 20. ओके वन प्लस 20 इज 399 इक्वल 21 एन अपॉन टू. अब टू यहाँ मल्टीप्लाइड है हाँ सो डिवाइड है वहाँ जाए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर 21 एन इक्वल 399 इंटू टू. टू नाइन ज़ा 18, टू नाइन ज़ा 18, 19, 798 मिला. 21 इक्वल 21 एन इक्वल 798. देयरफॉर एन इक्वल 798 डिवाइड बाय 21. आप अभी 21 से 798 को डिवाइड करिए. 21 वन ज़ा 21, टू ज़ा 42, थ्री ज़ा इज़ व्हाट 63. ठीक है तो माइनस किया 9 माइनस 3 6 मिला. ये वन आया 8 एंड 21 एट ज़ा इज 168. सो आंसर क्या मिला आपको n इक्वल वॉट 38. तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. होप आपको MCQ पूरा क्लियर समझ में आ गया हो. सो कल आगे के सम कल कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट. टिल देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर बाय.